20 अगस्त का दिन इस्लामिक न्यू ईयर 1442 का पहला दिन है। दुनिया हर मजहब या कौम का अपना अपना नया साल होता है। नए साल से मुराद है पुराने साल का खात्मा और नए दिन की नई सुबह के साथ नए वक्त की शुरुआत। नए वक्त की शुरुआत ही दरअसल नए साल का आगाज है। इस्लाम मजहब में मुहर्रम के महीने की पहली तारीख से इस्लामिक नया साल यानी नया हिजरी सन शुरू होता है। इस्लामी कैलेंडर में जिलहिज के महीने की आखिरी तारीख को चांद दिखते ही पुराना साल विदाई के पायदान पर आकर रुखसत हो जाता है और अगले दिन यानी मुहर्रम की पहली तारीख से इस्लामी नया साल शुरू हो जाता है। इस साल 2020 में 20 अगस्त गुरुवार से नया साल शुरू हो रहा है और 30 अगस्त को यौमे आशूरा का दिन होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वेरा फिलिस्पोर और हम बात करने वाले हैं इस्लामिक नया साल हिजरी के बारे में। इस्लामी वर्ष के पहले महीने को मुहर्रम कहा जाता है। इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत 622 एडी से हुई, जब पैगंबर मोहम्मद धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए मक्का से यत्रीब, जिसे अब मदीना कहा जाता है, चले गए थे। इस प्रवास को अरबी भाषा में हिजरा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हिज्र या हजरा लिखते हैं। इस आधार पर हिजरी संवत भी कहते हैं। पश्चिमी देशों में इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए इस बार के नए साल का पहला दिन 19 अगस्त से शुरू है और 20 अगस्त 2020 की शाम तक है। अलग अलग इलाकों में यह वक्त अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि पहला दिन चांद के दिखाई देने पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए ही इस्लामी कैलेंडर चंद्र वर्ष पर आधारित होता है, जिसमें 12 महीने होते हैं लेकिन केवल 314 ही दिन होते हैं। इस्लामिक नववर्ष आमतौर पर कम धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है। इस दिन कुछ मुस्लिम देशों में आधिकारिक छुट्टी रहती है, लेकिन अधिकांश देशों में ऐसा नहीं होता है। 638 एडी में इस्लाम मानने वालों के दूसरे खलीफा हजरत उमर को कैलेंडर की जरूरत महसूस हुई। ईरान, सीरिया, मिस्र आदि मुल्कों में अलग अलग कैलेंडर इस्तेमाल किए जाते थे। सो खलीफा उमर ने एक ऐसे कैलेंडर की कल्पना की जो संपूर्ण मुस्लिम जगत के लिए हो। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत इसी का नतीजा थी। यहाँ ये जानने की जरूरत है कि इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम को क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, इराक में यजीद नाम का एक क्रूर शासक था जो खुद को खलीफा कहता था और खुदा को नहीं मानता था। साथ ही यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन उनके कबीले में शामिल हो जाए, लेकिन हुसैन को यह कतई मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर यजीद ने हुसैन के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में इमाम हुसैन को उनके परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया। जिस महीने में हुसैन और उनका परिवार शहीद हुआ था वह मुहर्रम का महीना था। हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहीद हुए थे, इसलिए मुहर्रम उनकी याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग जुलूस भी निकालते हैं। चलिए दोस्तों, इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।